एक बात मैं आपको शुरू में ही कह दूं, कथा की दो पद्धति होती है, एक व्यास पद्धति है और एक नारदीय पद्धति। दो पद्धति से कथा होती है। तो व्यास पद्धति में संगीत नहीं होता है, वहां कोई पंडित जी कथा करते हैं, श्रोता साइलेंट होकर सुनते हैं। और व्यास पद्धति वाली कथा में यदि बोलोगे ना तो दोष लगता है, लेकिन नारदीय जो कथा है वह संगीत में होती है, क्योंकि नारद जी स्वयं संगीतकार हैं, वीणा उनके हाथ में होती है, गाकर बोलते हैं नारद जी। तो नारदीय शैली में यदि चुप बैठे रहोगे ना तब दोष लगता है। इसलिए ये जो कथा है ना, यहां चुप नहीं बैठना है। अब चुप नहीं बैठना इसका मतलब आपस में बातें करो ऐसा नहीं, गाने की बारी आए तो मस्ती में गुनगुनाओ।